नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे तीन टॉपिक पे। जी हाँ, सबसे बड़ा मेन टॉपिक रहेगा कि क्या कंपनी ऑफर लेटर ले सकती है वापस या उसको बदल सकती है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि भाई कंपनी अपने वर्करों को या आपका नियुक्ता रिस्पॉन्सर है जिसने वीज़ा जारी किया है वो आपको कितने समय तक ओवर टाइम करवा सकता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि भाई वी सरकार ने अभी एक कानून बनाया है ड्रिंक से रिलेटेड। जी हाँ, तो ड्रिंक यानी जिसको शराब बोल सकते हैं, पीने का सही तरीका क्या है, कौन लोग पी सकते हैं, गलत तरीके से करने पे क्या होगा, डिटेल से हम बात करेंगे तीनों टॉपिक पे। वीडियो पूरा देखिएगा भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्दे की कि भाई ऑफर लेटर से रिलेटेड क्या कंपनी बदल सकती है या फिर कंपनी चेंज कर सकती है या आपसे वापस ले सकती है, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जी हाँ, देखिए ये जो कानून लेबर लॉ से रिलेटेड कानून 1980 है, जी हाँ, उसमें एक अनुच्छेद है 800, उसमें 24 नंबर में पूरा प्रावधान बताया गया है ऑफर लेटर से रिलेटेड। देखिए जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो एक ऑफर लेटर पे आपके साइन होते हैं और वो ऑफर लेटर मोरे द्वारा अप्रूव्ड होता है, जिसको बोल सकते हैं अप्रूव्ड, उस पर आपके साइन हो गए और उसके कंपनी का जो अथॉरिटी है, एचआर है, जो भी आपका सीनियर है उसका साइन होता है ऑफिस में, सबको पता है वो ऑफर लेटर, फिर उसी ऑफर लेटर के आधार पर उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होता है, वीज़ा लग जाता है, आप काम करने लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा माइंड में आता है कि ऑफर लेटर कंपनी वापस ले सकती है या बदल सकती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है कि कंपनी अपनी मर्जी से, जी हाँ, कानून 1980 एक्ट अनुच्छेद 8 में साफ साफ क्लियर की गई है, कंपनी का साइन आपका हो गया जो मोरे का अथोराइज ऑफर लेटर है उस पे, उसके बाद में कंपनी की एक तरफा फैसला नहीं चलेगा। जी हाँ, नहीं तो वो ऑफर लेटर वापस ले सकती है, नहीं आपका वो जो ऑफर लेटर है उसको चेंज कर सकती है, बदल सकती है। बदलने का मतलब ड्यूटी टाइम बढ़ा दे, सैलरी कम कर दे, पोस्ट चेंज कर दे, ऐसा। जी हाँ, हाँ हो सकता है, एक शर्त होगी, तब आप उनके साथ में सहमति देंगे। जी हाँ, आप भी चाहेंगे, कंपनी भी चाहेगी, तो दोनों को मिलके आपका सिग्नेचर होगा तो कंपनी ये करेक्शन कर सकती है, वरना कंपनी अकेली की कैपेसिटी नहीं है कि वो नहीं कर सकती। अगर आपके साथ में ऐसी कोई हरकत हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कंपनी चीट कर रही है, तो भाई सीधा सीधा फिर आपके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ में आपको शिकायत दर्ज करवानी चाहिए अगर कंपनी आपके तरीके से नहीं मान रही है लीगल तरीके से। जी हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब दोनों तरफ से लीगल अग्रीमेंट हो जाता है, ओरिजिनल अग्रीमेंट, उसके ऊपर कंपनी फिर अपने फेरबदल नहीं कर सकती, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। जी हाँ, सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं भाई वर्करों का अधिकतम समय सैलरी क्या होता है, बोनस वगैरह। जी हाँ, तो आपको सबको पता है भाई एक छुट्टी होती है फ्राइडे की, सबको मिलती है। जी हाँ, 48 घंटे आपको 7 दिन में काम करना होता है, 8 घंटे पर डे प्लस आपका आना जाना या ओवर जो आपका लंच टाइम वगैरह होता है वो काट के 8 घंटे प्योर आपको ड्यूटी करनी होती है। जी हाँ, उसके अलावा कोई भी कंपनी आपसे 2 घंटे तक ओवर टाइम करवा सकती है दिन के अंदर। जी, आप समझ गए होंगे बात को। ओवर टाइम का पैसे की बात करें तो भाई जो सैलरी है उसका 25% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। नॉर्मली में मान लो आपको 10 दराम मिल रहे हैं तो उसका 25% एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए। समझ में आ रही है बातें, लेकिन ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। वही ओवर टाइम जैसे आप नाइट में काम कर रहे हैं तो भाई नाइट ड्यूटी में वही, लेकिन मैंने देखा भाई 90% लोगों के साथ यही है कि जैसे 1500 दराम तनख्वाह आपको दिन में है तो वही तनख्वाह आपको रात को मिलेगी। जी हाँ, 15 दिन में ड्यूटी करो, 15 दिन नाइट में करो उसी सैलरी में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नाइट में अगर कोई ओवर टाइम आप कर रहे हो एक्स्ट्रा ड्यूटी में तो उसका 50% सैलरी का एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। एवरेज अगर आप पर हावर्स आपको 10 दिनार एक्स्ट्रा मिल रही है तो उसमें आपको 15 दिनार एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा रूल है वी सरकार का लेबर लॉ में। बाकी आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना मिलता है, क्या मिलता है, तो वो तो आपको पता होगा ही भाई, सबको पता होना चाहिए। बाकी कानून ये बोलता है और कानून अगर बोलता है तो कंपनी को फिर मानना पड़ता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि आपको पता होना चाहिए खुद आप अपनी जगह एक्टिव कितने हो, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं
ड्रिंक्स से रिलेटेड। हालांकि आपका क्वेश्चन हो सकता है यार इसमें ड्रिंक का टॉपिक कहाँ से आ गया, तो भाई हम घुसा देते हैं क्योंकि ड्रिंक भी इंडिया में, इंडिया के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, कोई भी हैं तो वे में क्या कम पीने वाले हैं, बहुत दुनिया है पीने वाली, तो उनके लिए भी पता होना चाहिए। तो साथ में हम ऐड आउट कर देते हैं क्योंकि कभी कभार आप भी मौसम लोग बना लेते होंगे, वार त्यौहार बना लेते होंगे, वीकेंड फ्राइडे वगैरह मना लेते होंगे, तो कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। आप कहीं पर भी शराब खरीद सकते हैं वे में किसी भी अथोराइज डीलर से, इसका ध्यान रखिए, अथोराइज डीलर का मतलब होता है लाइसेंस होल्डर से। बाकी मैंने देखा है आपके कैंपों में भी, मैं खूब घुमा हूँ वहाँ पे, सब कुछ दो नंबर में चलता है। बाकी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबको पता होगा, जी हाँ, अथोराइज तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डीलर की लोग वहीं आपको मकान तक की सप्लाई दे देते हैं, ये सच्चाई है जी। लोग कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि यार दारू पीने के लिए हमें क्या परमिशन की जरूरत पड़ेगी, तो भाई परमिशन की तो देखो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 1987 का अनुच्छेद 3 में जो 313 धारा तो पहले लगी हुई थी उसमें बड़ी सख्ताई थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, दारू बेचना पीना वगैरह इलीगल था, लेकिन अब पूरी तरह से इसको बदल दिया गया है। 2021 में भी इससे रिलेटेड कानून बना दिए गए हैं, मादक पदार्थ से लिक्विड अगर आप ड्रिंक लेते हैं या उपयोग कर रहे हैं या उसका बिजनेस कर रहे हैं या फिर वो कोई भी व्यापार बिजनेस वगैरह कोई भी कर रहे हैं तो उसका दंड नहीं है। दंड का मतलब लीगल तरीके से आप करते हैं तो दंड नहीं है। हाँ, आपने ऑथोराइज एजेंट या डीलर वो जो भी है उनसे शराब खरीदी, निश्चित एरिया में आप जाके पी सकते हैं, जी हाँ, आप ऐसे नहीं कि बोतल ले ली भाई रोड पे टल्ली हो तो फिर पुलिस अरेस्ट करेगी आपको, समझ रहे हैं बात को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, 21 साल से नीचा अगर ये सिस्टम में घुस रहा है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है, जी हाँ। 21 साल से ऊपर वाला सिस्टम में घुस सकता है, आप पी भी नहीं सकते, आप बेच भी नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, स्टॉक नहीं कर सकते, जी हाँ। इसमें कम से कम 500 दराम से लेके 1 लाख दुबई दराम तक का जुर्माना लग सकता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप ये बातें आपको तीनों समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।